हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए। असल में कोरोना वायरस से पीड़ित लोग जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, उनके अंदर से एंटीबॉडी को निकालकर जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाए। हमारे शरीर के अंदर चार चीजें होती हैं, जिसमें से पहला है RBC और दूसरा है WBC और तीसरा होता है प्लेट्स और चौथा होता है प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा होता है वो खून का तरल हिस्सा होता है। एक डोनर 400 मिली प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और एक पीड़ित व्यक्ति को ठीक होने के लिए 200 मिली प्लाज्मा की जरूरत होती है, यानी कि एक व्यक्ति दो पीड़ित लोगों को बचा सकता है। एक बात और है, कोई भी व्यक्ति जो कोरोना वायरस से पूरी तरह से सही हो जाए उसके 2 हफ्ते बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। क्या इससे पहले तक की आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी? अगर नहीं पता थी तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स के द्वारा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नीरज मोटिवेशनल फैक्ट को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि लोग अपना प्लाज्मा को डोनेट करके किसी रोगी की जान बचा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।